नाफरमानी और ज्यादतियां की हैं, तौबा करो, तुम कामयाब हो जाओगे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम कामयाब हो जाओ। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शाबान अल मुअज़्ज़म की 15 शब अता फरमाई और उसमें भी रब करीम जल्ल जलालहू ने हमें मौका अता फरमाया। फिर आगे मुबारक महीना, अल्लाह का महीना रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसकी तो हर हर रात हर हर घड़ी गुनहगारों की बख्शिश और मग़फ़रत का समा है। इसी मुनासिबत से आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है कि सादी ज़ुबान में कहते हैं कि मुसलमानों सुधर जाओ, आदि जुबान जो आम लोग समझें, मुसलमानों सुधर जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। जाहिर है कि सुधरा हुआ इंसान माशरे में मकाम रखता है, उसमें इज्जत होती है। सुधरे हुए इंसान की हर गली कोचों से जब वो गुजरता है तो उसको सब सलाम करते हैं, दुश्मन हो दोस्त हो, छोटा हो बड़ा हो, लिखा पढ़ा हो जाहिल हो, सब उसकी इज्जत करते हैं कि महल्ले का शानदार इज्जतदार बावकार सुधरा हुआ इंसान है, लोग सब उसकी माशरे में इज्जत करते हैं। और यही उसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब उसके माशरे में इज्जत है तो अल्लाह के यहाँ भी उसकी इज्जत है। बात याद रखो, अल्लाह के यहाँ इज्जत नहीं है, वकार नहीं है, माशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं। माशरा उससे नफरत करता है, अल्लाह भी उससे नफरत करता है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम रखा है कि अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी खताएं अपनी नाफरमानियां तो पछताने से पेशेमान होने से गड़गड़ाने से माफ कर देता है और उनको अल्लाह ये तसल्ली देता है कि घबराओ ना, मेरी रहमत बड़ी वसी है, रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, आओ तो मैं तुझे इधर में माफ कर दूँ। ये न समझना कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, सही है, मगर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। वो जब अपने रहीमी और करीमी को देखता है तो बंदा कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, भरे साल भर उससे दरवाजे पे नहीं आया, मगर जब घड़ी आता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला उसे पूरे साल की नाफरमानियां माफ कर देता है। इतना मेहरबान होता है। तो शाबान के महीने में अल्लाह ने यह महीना, इसकी 15 शरीफ अल्लाह ने हमें अता फरमाई और इससे बढ़कर परेशान वाली रात है लैलतुल कदर। हुज़ूर फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि लैलतुल कद्र की रात के बाद फिर जो फजीलत और बरकत है सब शाबान की है। जरा गौर से सुनिए, क्योंकि लोग इसके मुनकर हैं। एक मुहद्दिसीन ने तफसीरें भरी हुई है इस रात की फजीलत में। ये लोग ज़ईफ़ ज़ईफ़ की रट लगाकर मुसलमानों को अल्लाह ताला की बंदगी से मना करते हैं,
खुद तो बदबख्त महरूम होते हैं, दूसरों को महरूम बना देते हैं। इनको हदीस के उसूल का पता नहीं है कि ज़ईफ हदीस है तो अमाल में उसका कितना अमल है, अमाल में उसकी कितनी फजीलत है। पढ़े ना हदीसें, पढ़े, छुपाते क्यों हैं? मुहद्दिसों को पढ़े, मुफस्सिरीन को पढ़े, मगर इन बाज लोगों ने ठेका उठाया है गरीब गुरबत क्या कहते अजीज ज़ईफ और शिरक, ज़ईफ और शिरक की रट लगाई हुई है, दाढ़ियां सफेद हो गई, बड़े बड़े मदरसे बनाए, मुफ्ती का लेबल लगा दिया, मगर ज़ईफ और शिरक की रट नहीं गई। बस यही है, ये समझते हैं कि हम छोटे भाई की सलवार पहनकर मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं, या बड़े भाई का कमीज पहनकर हम बड़े मुफ्ती बन जाते हैं। इससे कुछ नहीं होता, सुन्नत पे उभरते हो तो पूरी सुन्नत अदा करो। सलवार छोटे भाई के पहनने से तुम मुफ्ती नहीं बन जाओगे या मुहद्दिस नहीं बन जाओगे। बड़े भाई की कमीज और पैरान पहनने से तुम बड़े आला मकाम पर नहीं पहुंचोगे। मगर बात है दिल की, अगर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो कितना भी मुजरिम है वो अल्लाह का महबूब है, महबूब से प्यार करता है। लिबास से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अमाल से भी नहीं होता कि तुम क्या करते हो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुअरिकुम वला इला अमालिकुम वला कि यंजुर इला नियत। अल्लाह तुम्हारे सूरत को नहीं देखता कि तुम कितना खूबसूरत है, जबकि सूरत रब ने बनाई है, तुम उसी का ही एहसान नहीं उतार सकता। हुजूर फरमाते अल्लाह तुम्हारी तस्वीरों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, नहीं तुम्हारे अमार इबादत को देखता है। वला कि यंजुर इला नियतकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारी नियत को देखता है। अगर सजदा भी करता है तो तेरी नियत क्या है, रुकू करता है तो तेरी नियत क्या है, खड़े होकर क्याम करता है तेरी नियत क्या है। नियत कुछ भी हो, अगर मदीने के शहनशाह से तुम्हारा बुग्ज है और हुजूर के अब तक तुम ऐब तलाश कर रहे हो तो तुम्हारी नमाजें किसी काम की नहीं है। उससे तुमसे बेहतर तुम आलिम हो या मुफ्ती हो या मुहद्दिस हो मुफस्सिर हो, अगर तेरे दिल में मुस्तफा का कीना है, मुस्तफा की अदावत है, मुस्तफा के ऐब नजर आ रहे हैं तो तुम आलिम से वो जाहिल अच्छा है जो मुस्तफा से प्यार करता है। आलिम है तो क्या हुआ, जहन्नम में जाएगा। तुमसे वो जाहिल जो मुस्तफा से प्यार करता है, अलबैत से मोहब्बत रखता है, सादात की इज्जत और एहतराम रखता है, बुजुर्गों का ईमान रखता है, कि तो वो तुमसे पहले जन्नत में जाएगा, तुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों सुधर जाओ। एक और जगह फरमाया अय्युहल लदीना आमनु तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, 28वां पारा है। और जगह पर रब ने फरमाया मुसलमानों ईमान वालों अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा की मना रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, मौला मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस तू ही मेरा है, मैं तेरी तरफ रहूंगा, बस सब कुछ मेरा तू है, तौबा कर दी मैंने। और तौबतन नसूहा नसीहत वाली तौबा, या सू यूं कहें कि सच्ची तौबा, ऐसी तौबा कर दी कि कितना बदकार सियाकार जमाने का बदनाम शख्स था, मगर ऐसी तौबा कर दी कि आज दुनिया उनसे नसीहत ले रही है कि वही बंदा है जो ये गुनाह करता था। कोई गुनाह दुनिया का छुपा हो उससे नहीं था, मगर अब अल्लाह उसको ऐसी नसीहत कर दी है, ऐसी तौबा नसीब फरमाई है जो तौबा नसूहा कर दी है, सच्ची तौबा कर दी है, कि उस शख्स को लोग देखकर नसीहत पा जाते हैं।
आज हम भी ऐसे हो जाएं, हो जाओ। और ऐसे हो जाएंगे और तुम उससे प्यार करोगे, इस बंदे से प्यार करेंगे, तो फिर अल्लाह तुमसे वो नाम देगा कि जब कयामत का दिन होगा तुम उसी के साथ होगे। हम इसलिए औलिया कामलीन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मन अहब्बा, हुजूर की हदीस है, जो जिससे प्यार करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन उसी के साथ होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। तुम्हें शाबान की 15 भी दे दी, 27 रमजान भी दे दी, जिसमें खुसूसी तौर हुजूर ने उम्मत के लिए गुनाह माफी मांगी थी अल्लाह के दरबार में। हुजूर बुराक पे सवार हो रहे हैं, तुम इस गुनाह कर उम्मत को याद फरमाया। जब हुजूर अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं, वहां भी गुनाहगारों को याद फरमाया। यानी हुजूर ने इस उम्मत को छोड़ा नहीं, लावास नहीं छोड़ा। इसीलिए फरमाया, मैं जिसका वारिस हूं उसका अली वारिस है। मन कुन तो मौला हो फाली उन मौला, हम तो अदीसा अकेतकाद रखते हैं, मौला अली का शान तो बहुत बड़ा है। हर साहबी का मकाम अपना अपना है, हर साहबी का नबी का अपना मौका रखता है। कुदूस की हदीस याद आई, आ गई सामने, तो मन कुन तो मौला हो फाली उन मौला, मैं जिसका वाली हूँ, मैं जिसका मौला हूँ, मैं जिसका दोस्त हूँ, मैं जिसका वारिस हूँ, अली उसका वारिस। अली से भी प्यार करो, समझ आए ना, अली से भी प्यार करो, अबू बकर से, सिद्दीक से प्यार करो, उस्मान गनी से प्यार करो, उमर साई से प्यार करो। यानी जितने हुजूर के साहबा ने जिनको हुजूर सलाम को जिन्होंने आंखों से देखा है ना, सबसे प्यार करो, उन सबसे अकीदत करो। इसलिए हुजूर के प्यारे हैं, हुजूर के प्यारे हैं। जिनकी तारीफ कुरान में हो उसके अल्लाह के महबूबियत में क्या यानी शक होता है, वो अल्लाह के महबूब है। बहरहाल ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, मोमिनो तौबा तायब हो जाओ, सादा जुबान में मुसलमान सुधर जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर नेमत अता फरमाई है और हमें ये भी फरमाया, वाइन तौदू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, ये भी तसल्ली दी कि मैंने आपको पूरा जस्म दिया है, पूरी नेमत अता फरमाई, जब से पैदा हुआ है मरते दम मैंने पूरी नेमत तेरे हवाले कर दी। तू अपनाता है, इस्तेमाल करता है, और अगर तुम यानी मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो तो नहीं कर सकते हो, अगर तुम उनको गिनती करो तो गिनती नहीं कर सकते हो, अगर शुक्र करोगे तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर मेरी नेमत का शुक्र करोगे मैं तुम्हें और तरक्या दूंगा। इन कफर तुम फैन अजाबिल शदीद, अगर तुम मुनकर हो जाओगे तो फिर मेरा अजाब सख्त है। इसलिए अगर मैंने तुम्हें आजाद दिए है, जिस्म दिया है, सलामत हाथ दिया है, मैं चाहूं तो तुम्हारा हाथ जाए कर दूं, खत्म कर दूं। तुम्हें आंख दी है, चाहूं कि तुम्हारी आंख खत्म कर दूं। मैंने तुम्हें कान और जुबान दिए हैं, मेरा मेरी तखलीक है, मेरी नेमत है। एक लोथड़ा है जुबान का जो तुमसे पूरी जिंदगी वफाद करता है। मैंने तुम्हें इतना प्यारा जिस्म दिया है, कैसा प्यारा जिस्म है, आंखें दिए देखने को लिए, क्या देखता है, अल्लाह वालों को देखता है, कुरान को देखता है, हदीस को देखता है, या सिनेमा देखता है, क्या देखता है, ये आंखें क्या देखता है। मैंने तुझे हाथ दिए हैं और हर नेमत आपको दी है, क्या तुम इन हाथों से किसी के साथ जुल्म और जबर करते हो, किसी से ज्यादती करते हो,
या कुरान उठाकर पढ़ते हुए हाथों से कुरान करीम को छूते हो और जाकर सलाम अलैकुम फिदा कायम करते हो, मुसलमानों को हाथ मिलाते मुआनिका करते हो, क्या करते हो? या तुम्हें हाथों से जुल्म जबर करते हो, उससे यतीमों का माल खाते हो, क्या करते हो? आजकल तो लोग जो दीन के ठेकेदार बने फिर रहे, कहते हैं कि हाथ मिलाना मुआनिका करना जायज नहीं है। इन नादानों से कोई पूछे, हदीस की किताबें भरी हुई हैं, मुआनिका नहीं कर, मुआनिका मन गले मिलना। कोई कहता है ईदगाह में ईद के बाद मत मिलना, शिर्क है बिदत है। कोई कहता है मस्जिद में नहीं मिलना, शिर्क और बिदत है। यार इतना शिर्क और बिदत सस्ता है कि आपको मंडी के अंदर आपको प्याज और आलू भी इतना सस्ती नहीं मिलेंगे, जिनको इनकी मसाज ईदगाहों में आपको बिदत और शिर्क सस्ता लगेगा। मुसलमानों को बने बनाए मुसलमान को काफिर बना देते हैं। नमाज पढ़ी है, मुआनिका किया है, तुम बिदत करते हो, आराम करते हो। तुझे ये पता नहीं है कि मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया है, अगर दो मुसलमान आपस में हाथ मिलाते हैं, अभी हाथ जुदा नहीं होता, अल्लाह उनको बख्श देता है। और तुम अंधे हो तो मैं तुम्हें दिखा दूं, ये हदीस तुम भी पढ़ते हो, ये न कि मैं पढ़ाऊ, तुम भी पढ़ते हो। मगर ये कहां लिखा है ईदगाह में न मिलो, ईद के बाद नहीं मिलो, मस्जिद में नहीं मिलो, कहां मिले? सिनेमाओं में मिले, थिएटरों में मिले, तमाशाबीन पैर में देखे मिले, कहां मिले? यही तो है कि अल्लाह ने इस्लाम में जमात क्यों बनाई है, मुस्तफा करीम जमात क्यों बनाई है? अरे इसलिए बनाई है, अगर हफ्ते में को बंदा नजर नहीं आता, प्यार लगता है कि भाई तुम कहां था, हफ्ते में मुलाकात हो जाती है, देखभाल भी हो जाती है, हालवाल भी हो जाता है, मानका भी हो जाता है, हाथ में मिल जाता है, लिहाजा हालवाल भी मिल जाता है। इस्लाम ने इसलिए जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है कि तब तुम्हें अपने हाल और अहवाल का पता चले। समझ आई? बहरहाल मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें ये इनाम दिया है, एक जिस्म, दूसरी तो नेमतें बड़ी हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो तो याद भी नहीं है, ये तो हमारे साथ है ना, मरेंगे तुम साथ होंगे, जिएंगे भी साथ होंगे, जायज करेंगे नाजायज करेंगे तो साथ होंगे, माँ के पेट से मरते तक साथ होंगे, ये तो जुदा नहीं होंगे। पांव दिया आपको, मस्जिद में जा रहा था या सिनेमा में जा रहा था, चोरियां करने जा रहा था, पांव किसी ने दिए मैंने आपको चोरियां करने के लिए? हाथ किसी ने दिए दीवारें तोड़ने के लिए? ऐश कर, मगर अल्लाह तुझे फिर मौका देता है कि तूबू इलल्लाह जमिया, सुधर जाओ, सब सुधर जाओ। मैं सिंपल तर्जमा कर रहा हूं, कुरान का तर्जमा और है, तूबू इलल्लाह जमिया, अल्लाह क्या सब तौब हो जाओ, यानी सब सुधर जाओ, मुसलमानों सुधर जाओ, और ऐसी तौबा करो कि जो तुमसे उसकी नसीहत बन जाए, ताकि तुम्हें देखें कि ये लोग तो बड़ा बदकार था बंदा, बड़ा मुजरिम था, मगर आज मस्जिद में अमामा बंधा हुआ है, शरीयत पे चल रहा है, शरई मसाइल की तबलीग कर रहा है। मगर दोस्तों, लोग उसको देखकर इबरत हासिल करें, और तौबतन नसुहा का मतलब ये है कि नसीहत वाली तौबा, सच्ची तौबा, टेम्परेरी तौबा नहीं, किधर तौबा के फिर वहां मस्जिद के बाहर फिर भी हरकतें शुरू कर दो। हज किए, उमरे किए, हाजी बने, मगर सुधरे नहीं, लगता है कैमरे होकर आ गया, अरबे शेफ नहीं किया, हाजी बन गया, तुम्हारी वही सट्टेबाजी चल रही है, हाजी बन गया जवाबबाजी चल रही है, हाजी बन गया चोरों का तुम्हारी चल रही है, ठगी छमार वो तुम्हारी सब चल रही है, हाजी बन गया। सच्चा सरमस्त वाला प्यार से बड़ी बात समझाइए, वो तो आरिफ बिल्ला है ना, हाजी मदीने पार ने सजदा किया तो क्या हुआ है? बात समझ आ रही है? हाजी मदीने पार ने सजदा किया तो क्या हुआ है? दिल का झुकन झुकता नहीं, हाजी बना तो क्या?
और तुम मदीने के शहंशाह के दरवाजे पर जाकर तूने सजदे किए हैं, तुम वहां से वापस आकर फिर तुमने वहां चोरियां शुरू कर दी है, ठगियां शुरू कर दी है, बेईमानियां शुरू कर दी है, अवाम को सुमनत शुरू करने दी गए। बताओ कि तुम्हारा हज किस काम का? अगर मौलवी बन गया तो क्या हुआ? लोगों को गुमराह कर रहा है तो मौलवी का क्या फायदा? मौलवी तो सीधा रास्ता दिखाए ना। इसलिए आरिफ बिल्ला ने कहा ना कि कादी किताबा खोलते मसला पढ़या तो क्या हुआ। ये भी मसले पढ़ते हैं ना लोग, जो बिदत तो शिरक बनाते हैं, खड़े खड़े लोग मुसलमान को काफिर बना देते हैं। ये लोग मुसलमान आलिम है ना, ये भी ठेकेदार है दीन के। कादी किताबा खोलते मसला पढ़ा तो क्या हुआ, दिल का पार पढ़ता नहीं कादी बना तो क्या हुआ। अरे आलम बन गया, मुफ्ती बन गया, मुहद्दिस बन गया, प्रोफेसर बन गया, तेरे दिल में कीने है मुस्तफा है, मुस्तफा की बीमारी पड़ी हुई है, तुम्हारा आलम बनने का क्या फायदा, तुम्हारा हदीस बनने का क्या फायदा, तुम्हारा मुफस्सिर बनने का क्या फायदा, तुम्हारे फकीह बनने का क्या फायदा, जब दिल में तेरे मुस्तफा की बीमारी पड़ी हुई है तो तुम्हारा कुरान पढ़ लो दीन की ठेकेदारी का फायदा क्या। शुरू में कहा ना तुम आलिम से वो जाहिल अच्छा है मुस्तफा से प्यार करता है, वो आलिम से अच्छा है जाहिल अच्छा है। खामखा 10 साल मदद पढ़कर आपने शिर्क और बिदत सीखा, और क्या सीखा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शाबान की 15वीं इससे पहले जो रमजान मुबारक की 27वीं तारीख है उसकी बरकत के बाद अगर मकाम रखती है तो शबे बरत है, इसका ये लोग इनकार करते हैं। अरे है मुफसर हदीस पढ़ो ना, छोड़ो ज़ईफ और ये चक्कर को, ज़ईफ के चक्कर में रहोगे तो रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लोग ले जाएंगे भरिया भर के रहमत इलाही, मगर तुम मरूम रहोगे। दोस्तों याद रखो, इसे रब करीम ने तुम्हें दरवाजा खोला हुआ है, फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया इन्नहु हुवल गफूर रहीम। अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए हैं, तुम बंद कर रहे हो। बोली अल्लाह ने हम गुनाहगारों के दरवाजा खुला हुआ है, तुम कहता है जायज नहीं है, है? अल्लाह कहता है खुला हुआ है। अरे कितने भी बड़े मुजरिम हो मेरे दरवाजे पे जाओ, माफ कर दूंगा। अल्लाह ने किसी के कपड़े नहीं उतारे हैं गुनाह करते हैं, किसी का खाना नहीं रोका है, मगर अल्लाह खिलाना भी है, कपड़े भी देता है, सारी खिदमतें कर देता है, कर देता है, मगर क्या, सिर्फ ये मेरे दरवाजे पे आ जाओ मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। कहां कदम मना है, कहां मना लिखी है? हाथ की हदीसें बनाकर ये ज़ईफ है, ये है, ये वो है, वो है। मेरा चैलेंज है, क्या अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि हदीस ज़ईफ है? चैलेंज से कह रहा हूं, मुझे लाके दो इनसे जवाब। क्या उमर फारूक ने फरमाया था, उस्मान गनी ने फरमाया था, मौला अली ने फरमाया था हदीस ज़ईफ है? इसे अमल नहीं करना। या तुम इमामों ने बनाया है, तुम मौलवियों ने बनाया है, तो ये भी तो बिदत है, वही तो बिदत है जो हुजूर ने नहीं किया है। अजान पढ़ो, सलात नहीं पढ़ना, सलात नहीं पढ़ना, सलात पढ़ेगा तो अजान नहीं देनी, ये को मुसलमानी। मुसलमानी देखो, सलात पढ़ी तो फिर अजान नहीं देनी, इसलिए तो सलात जायज नहीं है। अरे अंधा, जिस स्पीकर तू नमाज पढ़ रहा है, जिस पे तू अजान दे रहा है, क्या स्पीकर हुजूर ने इस्तेमाल किया है? तुम इसकी मना करो ना, ये हुजूर ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिद्दीक ने नहीं किया, उमर ने नहीं किया, सारे साहब रिज़वानुल्लाह ने नहीं किया, इमाम आजम ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, बाद में नाजुल हुआ है। अब इसकी फतवा लगाओ ना, तो दुरूद पढ़ने के लिए क्यों मना कर रहा है? ये मोहब्बत है तेरे रसूल से, अंदाजा करो, ये मोहब्बत है तेरे रसूल से, ये मोहब्बत है तेरी अहले बैत से, ये मोहब्बत है तेरी सहाबा से, जिस नबी पर, जिस अहले बैत पर, इन सहाबा में दुरूद सलाम पढ़ो, उसी को मना कर रहा है कि दुरूद न पढ़ना, वन अजान पढ़ने नहीं देंगे। क्यों? हराम है, मना है, अकल के अंधों से पूछो। तो मेरे दोस्तों,
अल्लाह ने दरवाजे खोले हुए हैं। तो अल्लाह तबारक को तो ये रास्ता ये हाथ दिए हैं, जब कयामत का दिन होगा तो तुम्हारी जुबानें बंद होगी, तुम झूठ इधर भी बोलते उधर ही बोलोगे। अल्लाह को पता है तो उधर भी झूठ बोलेगा। नमाज पढ़ी थी, हाँ थी, पढ़ता था है? रोजा रखा है, हाँ जी रोजा रखता था। सारी बातें वहां झूठ बोलेंगे, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, वो नख्तिमु अला अफवाहिहिम। अल्लाह भी हिकमत रखता है ना, सारी जिंदगी तुझे मोहलत दी है, 50 साल गुजारा, 100 साल की जिंदगी गुजारी, 1000 साल पिछले लोग गुजारते थे जिंदगी, यही आजाद तो मेरा साथ थे। अरे तुझे इतने साल मैंने मोहलत दी है, इन मेरी नेमतों को तूने कहां इस्तेमाल किया? तो अल्लाह मोहर लगाएगा, नख्तिमु अला अफवाहिहिम, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, जुबान बंद हो जाएगी, नहीं बोलेगी। अभी जुबान तुम्हारा साथ दे रही है ना, झूठ बोले तुम जुबान साथ दे रही है, झूठ ही बोलते हो तभी जुबान साथ दे रही है। अगर वो टाइम आएगा, रब फरमाता है तुम पर मोहर लगा दूंगा, क्या करोगे? पत्थलोगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे सारे बंद हैं, अभी भी खुले हुए हैं, मरने से पहले पहले लाश पड़ा हुआ है, तेरा दरवाजा खुला है तौबा का, फिर बंद हो जाएगा तो नहीं खुलेगा, फिर नहीं खुलेगा। نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور ہم تمہارے ہاتھوں سے کلوا دیں گے, تمہارے ہاتھ گوا دیں گے, جو تمہارے دنیا میں گناہوں کو ساتھ دیتے تھے, ابھی تمہارے ہاتھ بند ہو جائیں گے۔ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, पांव को जकड़ दिया जाए, क्या करोगे? मेन चीज तो ये, हाथ भी बंद हो गए, जुबान भी बंद हो गई, पांव भी बंद हो गए, अब क्या करेगा? अल्लाह फरमाया बताओ, इस मेरी मोहलत को मैंने दी है, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे मैंने खोल दिए थे, तुमने क्या किया? तुमने समझा कि लंबी उम्र है, कर करूंगा, है? तुझे पता है क्या तू घर पहुंचेगा? तुझे पता है कि जो तवे पे रोटी पड़ती है नसीब हो जाएगी? तुझे क्या भरोसा? ये मौत जिंदगी उस मालिक के हाथ में है। अल्लाह फरमाएगा मैंने बंद कर दिया हाथ, जुबान बंद कर दी। कुछ जाहिल लोग होते हैं जो इल्हाद फैलाते हैं, इल्हाद जैसे मौलवी फैलाते हैं, हदीस का नाम लगाकर इल्हाद अल हदीस बन गए, कुरान का इल्हाद लगाकर चादर ओढ़कर कुरान का बना दिए, हम तो बड़े सुनी हो गए मुसलमान मुफस्सिर हैं। मगर ये लोग अब भी हैं, वो क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है हाथ पांव बंद हो जाए, ये कैसे हो सकता है? मगर ये अल्लाह की कुदरत का इनकार, इतनी हद धर्मी, इतने गुनाह किए हैं जो अब कल्ब स्याह हो गया है, कुरान कह रहा है फिर भी कहते हैं ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर बात को लंबा करेंगे तो मुस्तफ़ा को ही बड़ा तसरफ अल्लाह ने दिया, अल्लाह तो अल्लाह है, जो मुस्तफ़ा को रब ने कमाल दिया तो उसको पढ़ाए। मशहूर वाक्या है अबू जल जो मुट्ठी में लेकर आया था कनकरियाँ, गौर से सुने, कनकरियाँ लेकर आया था और हुजूर से कहा तो नबी कहलाता है, अगर नबी है तो बताओ मेरे हाथ में क्या है, मुट्ठी में क्या है, ये मुट्ठी में क्या है, छुपा हुआ है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, छुपा हुआ है ना, छुपे का मतलब गैब है, मैं नहीं देखता, जरा गौर से सुनो। अबू जहल कहता है तो बेशक नबी है तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी की सच्चाई की अलामत यह है कि जो छुपी चीजें नबी बता दे, समझ रहे हो ना? अरे तुमसे तो अबू जहल अच्छा है जो कहते नबी नहीं जानता। अबू जहल कहता है कि तू वाकई नबी है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या वो बताए जो तेरी मुट्ठी में, मैं कौन हूं? कमाल है ना ये, है? तू इसकी बात कर मैं बताऊं, अगर ये तुझे बता दे तो कमाल है ना। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है,
आजकल का वहाबी होगा, वो तो अबू जहल था ना, आजकल वहाबी का भी अकीदा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तुमको पता है कि कनकरें हैं छह हैं, वो कनकरें थोड़ी बोलती हैं, पत्थर बोलता है, नहीं बोलता, मगर उसको ये पता नहीं था कि नबी को पावर है, जिस पर नजीब की नजर पड़ गई वो बोलता भी है, बात है नजर की मुस्तफा की, उस अंधे को ये पता नहीं था कि नबी की निगाह में ये कमाल है कि मैं बताऊं या तुम्हें ये बताए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये बताओ क्या हो, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह हम छह कंकर हैं और गवाही देते हैं तू अल्लाह का रसूल है, ये तो अंधा भी समझ सकता है, मौलवी की क्या जरूरत है इसमें, अरे नबी तो मुट्ठी के अंदर जानता है कि मुट्ठी में क्या है, कि मुट्ठी की बात जानता है तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान जो छुपाए रखे हैं सब कुरान में, कुरान को मुस्तफा जानता है, बात खत्म, दो अल्फाज की बात करते हैं, मा मिन गायबतिन फिस्समाई फिल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन, जो कुछ जमीन और आसमान छुपा है सब कुरान में है, कुरान को मुस्तफा ने समझा है, किसी मौलवी ने नहीं समझाया, और मुस्तफा ने साहबों को समझाया, अब मतलब कहने का ये था कि तू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हाथ पांव बंद हो जाए कैसे हो सकता है, और मैं बता देता हूं कि नबी के पावर को देखो, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, आजत भी सही पावर भी सही, मगर क्या उस नबी का ये कमाल है, आपकी नजर से पंथरियां बोलती हैं, जो रब है मुस्तफा के खालिक है, मुस्तफा को कायनात का खालिक है, और मुस्तफा को ये कमाल दिया है कि मुस्तफा इनको मुर्दू को जिंदा करता है, तो खुदा नहीं कर सकता, अंधे अकल के अंधे तुम ये तो समझो इलाज पिलाया हुआ है, तुम्हें का अकीदा है तुम्हारा यहूदी नसारा वाला अकीदा है, काफिरों वाला अकीदा है, कुरान पर ईमान है, कुरान कहता है जब कयामत का दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, हाथों पर बांध देंगे, टांगे बंद हो जाएंगी, पांव बंद हो जाएंगे, अब तुम क्या बोलेगा, ये तुम्हारे ये गवाह देंगे, फिर बताओ क्या करेगा, नशद अर्जुन हम ये हाथ और पांव तुम्हारी गवाही देंगे, तो यही अल्लाह की कुदरत है जो अल्लाह ने मुस्तफा को कमाल दिया है, जब तुम मुस्तफा के कमाल को समझेगा ना तो तुझे अल्लाह की कुदरत भी नजर आएगी, तुम मुस्तफा के कमाल को नहीं समझता, जिसको अल्लाह ने जिसको ये कमाल दिया है तो फिर तुझे अल्लाह की कुदरत नजर कहाँ आएगी, मुसाफिर जब जुम्मे की नमाज छूट जाए सवाल है तो वो कौन सी नमाज पढ़े, पहली बात तो मुसाफिर पे जुम्मा फर्ज है ही नहीं, समझ आई, हाँ अगर पढ़ लेता है तो बेहतर है, मौका मिल जाए जुम्मा पढ़ ले, अगर नहीं मिला तो जोहर, समझ आई, उसके लिए जोहर है, वो जोहर नहीं जानी है, वो जोहर कदा करनी है, सफर में कसर होता है आधा, सिर्फ फर्ज के अंदर ये रिवायत है, सुन्नतों में ये रियायत नहीं है, नंबर दो किसी का शोहर इंतकाल कर जाए और बीवी से औलाद भी नहीं हो तो क्या वो ससुराल में रह सकती है, इद्दत उसको ससुराल में गुजारनी है, उसके बाद उसकी मर्जी है कहा जाए औलाद हो या न हो, आई बात सुनने, तो लिहाजा ससुराल में, अगर वो नौकरी कर सकती है तो बेशक सुबह जाए ड्यूटी करके आए मगरब से पहले पहले घर पहुंचे, रहेगी ससुराल में औलाद हो या न हो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, तो दोस्तों रमज़ान का भलारा महीना आ रहा है, हर हर घड़ी उसकी बख्शिश है, महीना आपको मोहलत दी है अपने पंद्रहवीं की मोहलत भी दी है, सारी रातें मोहलत की है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, अल्लाह की बारगाह में सुधर जाओ, सारी बुराइयाँ छोड़ो, अल्लाह के दरबार में तौबा तायब हो जाओ, सच्चे सच्चे मुसलमान पक्के मुसलमान हो जाएं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे बदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तौबा तो नसूहा सच्ची तौबा करने की जिससे लोग देख कर नसीहत पा जाएं, अल्लाह ताला ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, वमा अलैना इल्लल्लाह।